नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। खबर मुजफ्फरनगर से है। दरअसल आपको बता दें, जीआईसी मैदान में 11 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान व हिंद मजदूर किसान समिति के प्रेरणा स्रोत चंद्रमोहन ने जलाभिषेक कर प्रतिमा को जम्मू कश्मीर में स्थापित करने के लिए रवाना कर दिया गया। तो वही मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव बलियान को किसान हाल और हथौड़ा देकर हिंद मजदूर किसान समिति ने सम्मानित किया। वही मंच से विशाल जनसभा को संबोधित करने के मैदान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने बयान देते हुए कहा, जो आंदोलन करने वाले किसान हैं वह भी अपने हैं और इस सरकार को किसानों और मजदूरों ने मिलकर बनाया है। कृषि कानून पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि किसान की जमीन हड़प ली जाएगी। जिस दिन भी इस देश में किसी भी एक किसान की जमीन उद्योगपति ने हड़प ली, संजीव बलियान पहला शख्स होगा जो पार्टी में इस्तीफा देकर गांव में अपने वापस लौट जाएगा। वहीं किसानों से कहते हुए डॉक्टर संजीव बलियान ने कहा, सरकार आपसे झुककर बात करना चाहती है, आइए और मुद्दों पर बात कीजिए, सरकार आपकी बनाई हुई है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजीव बलियान ने कृषि कानून बिल और किसान आंदोलन पर राजनीति कर रहे पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। माही 11 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का जलाभिषेक करने के बाद विशाल जनसभा को समाप्त कर दिया गया और प्रतिमा को जम्मू कश्मीर में स्थापना के लिए रवाना कर दिया गया। हिंद मजदूर किसान समिति के प्रेरणा स्रोत चंद्रमोहन ने देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की सरकार से मांग की। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति के साथ पवन की रिपोर्ट। मंत्री जी, क्या प्रोग्राम था? देखिए, हिंद किसान मजदूर समिति की तरफ से कार्यक्रम था। किसान थे, मजदूर थे। पहले पिछले वर्ष यहाँ कार्यक्रम हुआ था सीए के उसमें समर्थन में, तो उस समय एक बात आई थी कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं है, तो उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापना करवाने का भी कार्यक्रम था और किसान मजदूर थे। तो किसानों की आजकल जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं मौका मुझे किसानों के बीच में मिला। मंत्री जी, जो आज ये रैली की गई, कहीं ना कहीं क्या सरकार को सपोर्ट करने के लिए है इन किसानों? देखिए, मैं सांसद हूँ यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूँ। अगर केंद्र सरकार का कोई फैसला है तो उसका हिस्सा हूँ मैं उस पर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसके संबंध में अपनी बात कही है। जो एक किसान के बीच में भोले किसान में भ्रम फैलाया जाता है कि आपकी ज़मीन ले लेंगे, आज़ादी के 73 साल हो गए, किसान की और समस्याएं हैं, उन पर बात कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कम से कम मोदी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि किसान की जमीन को छीन सके। कश्मीर आप भी जाएंगे? निश्चित रूप से मैं भी जाऊंगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे फ्रंट की हिस्सेदारी होगी बाबा साहब की मूर्ति की वहाँ स्थापना में। मैसेज क्या देना चाहेंगे अंबेडकर जी? मैं यही देना चाहूंगा, आप याद कीजिए, अम्बेडकर जी 370 के खिलाफ थे, जो कश्मीर में जो संविधान का पालन नहीं पड़ता उसके खिलाफ थे। मोदी जी ने कहीं ना कहीं 370 हटा के बाबा साहब के सपने को साकार किया है। एक संविधान के निर्माता है, उनकी एक प्रतिमा का महान आवरण हो और मुझे फिर के सभी भाइयों को इसमें हिस्सेदारी, सबके लिए गौरव की बात है। किसान नेताओं ने आज ट्रैक्टर मार्च भी निकाला है, उसके बारे में बताइए। 26 जिलों में निकाल रहे हैं। भाई, उसके बारे में तो वही बता सकते हैं। मैंने तो मंच से माध्यम से कहा है कि राजनीतिक दलों को बीच से हटा दीजिए, किसान और सरकार आमने सामने बैठ के बात करेगी तो हल निकलेगा। आप चौधरी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उस पर क्या कहना आपको? नहीं, कोई बात होगी तो उन्हें अधिकार है, उनकी दी हुई ओर से। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, संजीव बालियान सांसद हैं, वे जब चाहे संजीव बालियान से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, चाहे तो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। नया समीकरण बनने वाला है कोई? नहीं, मैं अभी समीकरणों की बात नहीं कर रहा कहीं से भी। मेरे तो अभी फोकस यही है कि किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान भाई कुछ अच्छा लेकर सरकार की तरफ से पॉजिटिव सोच के साथ अपने घर वापस आए। किसान आंदोलन की आड़ में बहुत सी पार्टी राजनीति कर रही है, पंचायतें कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? गिद्ध हैं, मौका नहीं था, नोचने के लिए आए हैं, लेकिन जनता समझदार है। किसानों किसान आंदोलन कर रहे, किसानों के सरकार के बीच की बात है, उनकी बनाई हुई सरकार है, हम बातचीत करके आपस में मामला निपटा लेंगे। पिछले साल 12 जनवरी 2020 को यहीं से घोषणा की गई थी कि हम बाबा साहब की प्रतिमा कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद संविधान पूरे देश में लागू हुआ, तो संविधान के जो निर्माता बाबा साहब, उनकी प्रतिमा की निर्माण स्थापना की ये घोषणा की गई थी पिछले साल, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ। अब हम आज हमने बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया है, कोने जो देश के चारों कोने हैं, तमिलनाडु के जल से,
मणिपुर के जल से, गुजरात के जल से, कश्मीर के जल से और मुजफ्फरनगर के जल से बाबा साहब का की प्रतिमा का अभिषेक किया। अब हम इस प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि हम ये हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है, कश्मीर में बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। इसलिए आज का कार्यक्रम बाबा साहब की प्रतिमा जो कश्मीर में स्थापित होगी, प्रतिमा का अभिषेक किया। हाँ, प्रतिमा के बाद हम ये चाहते हैं कि मजदूर और किसान तभी सुखी होगा, खुशहाल होगा, जब ये दो विषयों पर विशेष तौर पर गहराई से चिंतन करे सरकार। एक तो पढ़ाई पूरे देश में एक समान और फ्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अमीर की पढ़ाई अलग और गरीब के बच्चे की पढ़ाई अलग। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर कानून बनना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का एक मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट है। कृषि मंत्री क्या कहना चाहते हैं, जवाब देंगे जिस तरीके से 370 का विरोध हुआ और अब जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना कश्मीर में करने जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होगी, उनको क्या जवाब है? यही तकलीफ हम देना चाहते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना देकर पाकिस्तान को हम तकलीफ ही देना चाहते हैं कि वे समझे हिंदुस्तान एक है, बाबा साहब का संविधान पूरे देश में है और एक संविधान पूरे देश में स्थापित हो। कृषि बिल पर हम ये कहते हैं कि अभी हम कुछ दिन आ रही है, किसान की जमीन छीन ली जाएगी। हमने स्पष्ट कहा, एक भी किसान की जमीन अगर छीनी गई तो हम लाखों की संख्या पर तुम्हारा समर्थन करेंगे जो धरने वहाँ बैठे हैं। गुमराह कौन कर रहा है? ये गुमराह जो कुछ ये राजनीतिक दल हैं, जो कुछ राजनीतिक दल हैं वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। क्या सरकार को समझे ये समर्थन दिया गया आज रैली करके? सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारी घोषणा थी, एक साल पहले हमारी घोषणा थी कि बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हम कश्मीर में करेंगे।